ज्योतिरादित्य सिंधिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सिंधिया जी हैं जिनकी बदौलत मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी, उनकी बदौलत मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया जी की बदौलत मध्य प्रदेश में सरकार बनी। उन्होंने दिनों रात मेहनत करी। सरकार बनाने में सिंधिया जी का बहुत बड़ा रोल रहा। ये सरकार श्रीमंत महाराज साहब की ताकत और लोगों की भावना पे बनी। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद जो कांग्रेस की सरकार आई थी वो श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वजह से आई थी। इस व्यक्ति की मेहनत से मध्य प्रदेश में सरकार बनी। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मेहनत से हम सब उसके साथ हैं। श्रीमंत महाराज साहब के नाम पे इस सरकार मध्य प्रदेश में आई थी। न किसी के दबाव में है, न हम किसी को हमको रोका है। कुआं में गिरना है तो कुआं में भी गिरूंगी, पर महाराज के साथ रहूंगी। जहां हमारे श्रीमंत महाराजा साहब हैं वहां इमरती देवी है। और सब स्वेच्छा से आए हैं, किसी के दबाव में नहीं है। हमने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। हम किसी दबाव में नहीं है। मायरा सिंधिया जी है, सिंधिया जी का निर्णय हम सबके लिए अंतिम निर्णय है। 20 के 20 पूरी तरीके से हम एक हैं। मैंने अपनी स्वेच्छा के साथ ये इस्तीफा दिया है। यहाँ कोई लेके नहीं आया है, मैं अपनी स्वेच्छा से आई हूँ। जहाँ महाराज जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। जो हम लोगों ने 22 लोगों ने इस्तीफा दिए, सबने अपनी अपनी स्वेच्छा से रिजाइन किया। मैं दावे के साथ कहता हूँ यहाँ 22 के 22 विधायक एक भी उनके संपर्क में नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। एक काम भी हमें कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला है और हमारी कमलनाथ जी ने बिल्कुल नहीं सुनी। जिस व्यक्ति ने कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना तन मन सब लगा दिया दांव पर, उस व्यक्ति की उपेक्षा करने का काम किया। सिंधिया जी के साथ में जो अन्याय उन्होंने किया है, जो एक सवा साल में उन्होंने सिंधिया जी के हाइट को कम करने की कोशिश की है। एक और जहां आप बात करते हो कि खजाना खाली है और दूसरी तरफ 12,000 करोड़ के काम छिंदवाड़ा की कॉन्स्टिट्यूंसी में किए जाते, क्या बाकी विधायक और बाकी मंत्री क्या झक मार रहे हैं? दिखाना चाहते थे कि मध्य प्रदेश के जितने सिंधिया जी के समर्थक हैं उनको बिल्कुल कोई काम नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष के लिए उनका नाम आया तो अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया, तो राज्यसभा के लिए भी उनको टिकट नहीं दिया जा रहा था। तो इतना घोर अपमान लोकतंत्र में सहन करने योग्य नहीं है।